पंजाब असेंबली का इजलास कुछ देर बाद होगा। अराकीन असेंबली की आमद का सिलसिला जारी है। पंजाब असेंबली में अराकीन को बुलाने के लिए घंटियां बजना शुरू हो गईं, जबकि स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान पंजाब असेंबली पहुंच चुके हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफताब अहमद खान भी असेंबली पहुंच चुके हैं। इस हवाले से हसन अली पंजाब असेंबली के बाहर है, उनसे जानेंगे कैसी सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर। जी हसन अली, क्या अपडेट्स हैं? जो है पंजाब असेंबली का इजलास जो कि 9 बजे बुलाया गया है उसके लिए अराकीन को बुलाने के लिए जो है वो घंटियां बजनी शुरू हो चुकी हैं। ताहम इजलास जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो रहा, और जो एक मामूल है कि इजलास हमेशा से तखीर से शुरू होता है, तो आज भी यही लग रहा है कि इजलास जो है वो तखीर से ही शुरू होगा। ताहम अब से कुछ देर कबल जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जो है वो असम्बली पहुँचे। इसके अलावा जो सूबाई वज़रा हैं जिसमें फैसल अयूब खोखर, बिलाल यासीन समेत दीगर जो अराकीन हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान जब असम्बली पहुँचे तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एहतजाज जो है वो अपोजिशन का हक है। ताहम आज जो इजलास बुलाया गया है उसकी वजह यह है कि जुमे का दिन था इसलिए जल्दी इजलास जो है वो बुलाया गया है। उनका ये भी कहना था कि मखसूस नशस्तों के हवाले से जो हाई कोर्ट में केस है उसकी समाअत देख रहे थे इसलिए इजलास जो है वो देर से बुलाया, वरना इजलास जो है वो पहले बुलाया जा सकता था। जबकि उनका ये भी कहना था कि कल जो है वो सदारती इंतखाबात हैं और इस हवाले से भी अराकीन को लाहौर जो है वो आज पहुँचना था और इसी वजह से जो है वो आज इजलास बुलाया गया। जबकि दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफताब अहमद ख़ान जो हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनका जो हक था मखसूस नशस्तों का वो उस पर जो है वो डाका डाला गया था। उनका यही कहना था कि अगर उनको मखसूस नशस्तें ना दी गई तो ऐवान में भरपूर तरीके से एहतजाज जो है वो किया जाएगा, ऐवान के साथ साथ असम्बली के बाहर भी जो है वो भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि जो मखसूस नशस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक है। जबकि आपको फिर से बताता चलूँ कि पंजाब आज जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास में जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं उसके लिए 21 नौ मुंतखब अराकीन असम्बली जो ख़वातीन हैं वो हल्फ उठाएंगी, जबकि 3 जो हैं वो अकलियतों की जो मखसूस नशस्तों के अराकीन हैं जो नौ मुंतखब अराकीन हैं वो अपने अपने MPA होने का जो है वो हल्फ उठाएंगे, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली पहुँच चुके हैं। अराकीन की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन अली थे, अपडेट कर रहे थे।